भिवाड़ी में फाइनेंस कंपनी के एग्जीक्यूटिव से लूट के दो आरोपी गिरफ्तार, एक आरोपी फरार। रेडिएट कैश मैनेजमेंट कंपनी के कर्मचारी से हुई थी 8,70,000 रुपये की लूट। कर्ज चुकाने व शौक पूरा करने के लिए रची थी लूट की साजिश। डीएसटी ने वारदात में शामिल दो बदमाशों को दिल्ली से किया काबू। भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक राममूर्ति जोशी ने बताया कि गत 25 अक्टूबर को मटीला के पास से बदमाश रेडियंट कैश मैनेजमेंट कंपनी के कैश कलेक्शन एग्जीक्यूटिव हितेश से हथियार के नोक पर 8,70,000 रुपये लूट कर भाग गए थे। भिवाड़ी पुलिस ने मामला दर्ज कर डीएसपी राम कुमावत, भिवाड़ी एसएचओ जितेंद्र सोलंकी व डीएसटी इंचार्ज व चौपान के एसएचओ मुकेश कुमार के नेतृत्व में विशेष टीमों का गठन कर आरोपियों की गिरफ्तारी करने के निर्देश दिए। भिवाड़ी में फाइनेंस कंपनी के एग्जीक्यूटिव से पुलिस लूट के टीमों ने पीड़ित के बताया आरोपी के आधार आरोपी एक आरोपी मटिला फरार। से रेडिएट दिल्ली कैश से मैनेजमेंट मैनेजमेंट कंपनी कंपनी के के घुमाना कर्मचारी से शुरू हुई किया, थी 8,70,000 रुपये की लेकिन लूट। दिल्ली दिल्ली के के कर्ज चुकाने व शौक पूरा बुधवार करने के का लिए रची थी लूट की इलाके साजिश। में कच्ची बस्ती में डीएसटी ने सीसीटीवी फुटेज वारदात में में शामिल कम नहीं दो होने के बदमाशों को कारण दिल्ली से किया मटिला काबू। आने के सीसीटीवी भिवाड़ी फुटेज पुलिस अधीक्षक बनाने राममूर्ति गए, जोशी जिससे ने बताया कि गत पच्चीस बदमाशों का अक्टूबर चेहरा को और मटिला मटिला के के रजिस्टर्ड नंबर का पता पास से चला। बदमाश रेडियंट कैश मैनेजमेंट डीएसटी कंपनी के प्रभारी कैश मुकेश कुमार ने कलेक्शन साइबर सेल एग्जीक्यूटिव हितेश से से हथियार के बदमाशों नोक के पर आठ पेटीएम लाख नंबर सत्तर हजार पता कर का लूट कर उससे भाग गए लोकेशन थे। हासिल किया और भिवाड़ी पुलिस ने बेतलाकोट मामला द्वारका दर्ज कर निवासी निवासी दीपक दीपक और सुनील सुनील राम को कुमावत, भिवाड़ी डीएसपी आपकर एसएचओ जितेंद्र सोलंकी जोड़ीला व का डीएसटी गिरफ्तार कर लिया इंचार्ज गया। व चौपान के एसएचओ पुलिस ने वारदात मुकेश में कुमार के नेतृत्व में परयुक्त विशेष बाइक टीमों का बरामद गठन कर लिया लिया है। है। आरोपियों की गिरफ्तारी करने के भिवाड़ी निर्देश एसपी दिए। ने बताया कि मुलजिम दीपक और पुलिस टीमों ने सुनील पीड़ित के दोस्त बताए एवं होलिया के घरों आधार पर जानकार होने की वजह मटीला से दोनों ने से खुद का कारोबार शुरू किया, दिल्ली तक लेकिन फेल सीसीटीवी होने पर फुटेज खंगालना शुरू पैदा किया। हो लेकिन गए। दिल्ली दीपक का दोस्त के यूपी निवासी अतुल द्वारका भिवाड़ी से कंपनी फ्लिपकार्ट इलाके में में नौकरी कच्ची करता बस्ती है। में अतुल ने सीसीटीवी दीपक को फुटेज बताया कि उपलब्ध नहीं भिवाड़ी होने में के इतना कारण बड़ा आदमी मटीला कैश कलेक्शन कलेक्शन का आने के काम करता है सीसीटीवी और उसके फुटेज पास अच्छा उतना पैसा फैला मिल लिया सकता गया। है। जिससे बदमाशों का घटना से चेहरा और करीब पर्ची 10 के 12 रजिस्टर दिन नंबर का पहले पता दीपक चला। अपने दोस्त सुनील को लेकर भिवाड़ी डीएसपी आया तथा अतुल प्रभारी से मुकेश मिला। कुमार ने साइबर अतुल ने सेल दीपक व सुनील को से हितेश बदमाशों की के बैंक पेटीएम का नंबर नंबर पता पताकर कर उससे लिया, लोकेशन लोकेशन हासिल लेकर किया और अनजाने के रास्तों के बारे में गतरात जानकारी को द्वारका निवासी दी। अतुल दीपक ने व बताया सुनील कि को हितेश दस्तियाब जब सोमवार कर को जायदाद भिवाड़ी घोटाला लाकर गिरफ्तार गिरफ्तार कर कर लिया लिया गया। गया। घटना के दिन पुलिस दीपक ने और वारदात सुनील में अपने अपने परयुक्त परिचित भाई बाइक लेकर पर बरामद भिवाड़ी कर आया लिया तथा है। हितेश के भिवाड़ी एसपी ततारपुर स्थित ऑफिस ने से बताया बताया कि कि मिटुल मुलजिम दीपक दीपक और और सुनील सुनील और जब हितेश दोस्त दोस्त हैं हैं और और बेरोजगार होने की कैश वजह से लेकर दोनों ने भिवाड़ी खुद की तरफ का रवाना कारोबार हुआ। शुरू किया दोनों ने लेकिन फेल मटिला होने से पर पहले ही गंदे नाले पैदा के हो गए। पास दीपक हितेश का की दोस्त बाइक यूपी को अपने करवा निवासी कर गिरा दिया और अतुल हथियार भिवाड़ी से हथियार दिखाकर कंपनी उससे में नौकरी नौकरी करता करता है। है। अतुल अतुल ने ने दीपक दीपक से को भरा बताया बैग कि भिवाड़ी भिवाड़ी में मिलने की लेकर ओर अपना भाग आदमी गए, कैश कलेक्शन का काम और लूट करता की है। रकम उसके का पास आपस में अच्छा बंटवारा खासा कर लिया बजट सकता है। है। अतुल घटना अपना से से करीब करीब दस 12 दिन दिन पहले पहले अपने गांव गांव चला चला गया गया और और दीपक दीपक लेकर लेकर भिवाड़ी भिवाड़ी आया आया तथा तथा आदेश आदेश मिला। मिला। सुनील ने अतुल ने दीपक अपनी व सुनील उधारी के को रुपए हितेश चुकाने में की बाइक का के नंबर अलावा एक होलिया आईडी का की कैश लेकर आने गारंटी जाने के रास्तों के बारे में जानकारी बदमाशों को पकड़ने में दिए। भिवाड़ी अतुल ने डीएसपी बताया केएसआई कि जसवंत सिंह हितेश हेड के पास सोमवार कांस्टेबल को ज्यादा कैश मिलेगा। घटना के दिन दीपक और हेड कांस्टेबल सुनील अपने सत्तार खान, अपाची कांस्टेबल बाइक ओम लेकर प्रकाश भिवाड़ी आए तथा वन हितेश ने के पुलिस कर्मियों की अहम भूमिका रही। ततारपुर स्थित ऑफिस से करीब 100 मीटर दूरी पर खड़े हो गए और जब हितेश कैश लेकर भिवाड़ी की तरफ रवाना हुआ तो इन्होंने मटिला से पहले ही गंदे नाले के पास हितेश की बाइक को टक्कर मारकर गिरा दिया और हथियार दिखाकर उससे नोटों से भरा बैग छीनकर दिल्ली की ओर भाग गए और लूट की रकम का आपस में बंटवारा कर लिया। अतुल अपने हिस्से के रुपए लेकर अपने गांव चला गया और दीपक ने उधारी के रुपए चुका दिए, जबकि सुनील ने अपनी उधारी के रुपए चुकाने में के अलावा एक i20 कार खरीद ली। बदमाशों को पकड़ने में भिवाड़ी डीएसटी के एएसआई जसवंत सिंह हेड कांस्टेबल सत्तार खान, कांस्टेबल ओम प्रकाश वन ने पुलिस कर्मियों की अहम भूमिका रही। भिवाड़ी रोड पे एक कैश कलेक्शन एजेंट के साथ करीब 8,70,000 रुपए की लूट की वारदात हुई थी, जिसमें वो मोटरसाइकिल पे जा रहा था। पीछे से दो मोटर सवार युवक आते हैं, उसकी गाड़ी को ओवरटेक करके हथियार दिखा के उससे 8 लाख रुपए लूट के ले गए थे। इस वारदात की पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। हमारी DST 1 ने इस तफ्तीश का जिम्मा स्वयं के ऊपर लिया और उन्होंने जो है वारदात स्थल से पहले करीब 2 किलोमीटर पहले से सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तफ्तीश को आगे बढ़ाने का काम शुरू किया और हमने करीब 80 किलोमीटर तक वारदात स्थल से लेके दिल्ली में द्वारिका वाले हिस्से में जो भारत विहार है वहाँ तक के सीसीटीवी फुटेज करीब 800 की संख्या में देखे गए, खंगाले गए और उनसे क्लू प्राप्त किया गया। अंततः हमको सफलता और निर्णायक सीसीटीवी फुटेज एक पेट्रोल पंप के यहाँ से मिला, जिसमें कि अपराधी पहली दफ़ा पूरे आने और जाने के रूट में पहली बार अपना हेलमेट उतार के अपना मास्क उतार के पेट्रोल भरवा रहे थे और उस साथ साथ उन्होंने
पेट्रोल पंप वाले को डिजिटल पेमेंट किया। ये हमारे लिए काफ़ी निर्णायक मोड़ था इस अनुसंधान का। उसके बाद हमने इसको भी अनुसंधान को क्रैक किया। दोनों अपराधियों को रात को द्वारका से हमने डिटेन किया और बाद तफ्तीश आज सुबह उनको गिरफ्तार किया है और आगे की तफ्तीश अब इनसे जारी है। इसमें कह सकते हैं डिजिटल जो पेमेंट करना वो सबसे पहले निर्णायक साबित हुआ, वही टर्निंग पॉइंट पूरी वारदात के खुलासे में रहा। पेट्रोल पंप की जो क्लिपिंग थी वो काफ़ी स्पष्ट और साफ थी, जैसे मोबाइल से रिकॉर्डिंग करते हैं उतनी बिल्कुल साफ थी। उसमें हमको मोटरसाइकिल के नंबर भी आ गए थे, इनके चेहरे पूरी तरह स्पष्ट हो गए थे क्योंकि इन्होंने हेलमेट भी उतार लिया था, मास्क भी उतार लिया था, तो चेहरे बिल्कुल क्लियर हो गए थे, मोटरसाइकिल के नंबर आ गए थे। और फिर तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण था वो इन्होंने डिजिटल पेमेंट किया तो उससे इनके मुजरिमों के मोबाइल नंबर भी हमारे पास आ गए थे। लूट की राशि की रिकवरी रात को ही इनको हमने डिटेन किया, गिरफ्तार किया है। अब हमारे आगे अनुसंधान का हिस्सा है, इनसे रिकवरी भी की जाएगी और वारदात में जिन जिन लोगों ने इनको सहयोग किया है प्रत्यक्ष है प्रत्यक्ष रूप से उनको भी शिनाख्त करके उनको भी गिरफ्तार किया। किसी और का नाम सामने आया सर पूरी वारदात में अभी तक? अभी अनुसंधान चल रहा है और गहनता से हम अनुसंधान कर रहे हैं, जिन जिन का नाम सामने आएगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। थैंक यू सर। सर इसमें लूट की राशि कितनी थी? 8,70,000 रुपये एफआईआर मिले।